सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद सपा पार्टी में ही विरोध हो रहा है। बजट सत्र में शामिल होने से पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं पर जो टिप्पणी कर रहे हैं वह सपा के प्रवक्ता के रूप में कर रहे हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस पर कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि वही बुला रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के सवा घंटे के भाषण में राम मंदिर पर कुछ नहीं बोला है क्योंकि अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि राम मंदिर पर बोलने से उनका वोट ना चला जाए, उनके परिवार की पार्टी है। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। माननीय नेता प्रतिपक्ष के पूरे सवा घंटा के भाषण में सदी का, कई सदियों का जो कार्य हुआ है 500 वर्षों के बाद, जो संघर्षों के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद जो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, उस पर एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि उनको अपने वोट को डर लग रहा है कि हमारा वोट खसक जाएगा। इसलिए ये बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी से इस तरह का बयानबाजी करवा रहे हैं।